दोस्तों इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये जो सेटअप है ये बिल्कुल छोटा सा सेटअप है और आपको देखने से लगेगा कि ये क्या बजेगा। कोई भी लोग इसको देखेंगे तो सोचेंगे ये इतने बड़े जगह में ये सेटअप क्या बजेगा, इससे क्या आवाज़ निकलेगी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात को। आप मैं जो आपको बता रहा हूँ इस सेटअप को आप लगा के वो एक बार इसको बजा के देखिए और आप बनवाइए इसको तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इसके सामने आपको बहुत ही बड़ा सिस्टम फैल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा आपको सिर्फ इसमें वही स्पीकर यूज़ करने हैं और उसी तरह से आपको यूज़ करना है। वो ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा महंगा मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो आपको टॉप यूज़ करना है टॉप 500 वाट का एक स्पीकर होना चाहिए। एक टॉप पर 500 वाट का स्पीकर होना चाहिए, यानी 1000 वाट का एक टॉप, 1000 वाट का एक टॉप होना चाहिए। और जो बेस है बेस आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें 650 वाट का आहूजा का स्पीकर होना चाहिए। ये बहुत ही सफल स्पीकर है और ये कभी भी कटने वाला है, जलने वाला नहीं है, बहुत आसानी से ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा और बहुत समय तक लंबे समय तक कार्य करेगा। इसलिए आपको कोई और इसका जो बेस आता है बहुत ही सॉलिड बेस आता है जो आपको 1000 और 1500 वाट में भी नहीं मिलेगा। आप इसको ट्राई करिए, जो भी भाई ट्राई करती है वो इस बात को जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आहूजा का एलेक्सी 3200 मशीन आपको खरीद लेनी है जिसपे आपको दो चैनल मिल जाएंगे। आहूजा का 812 मिक्सर वो आप कोई भी ले सकते हैं मिक्सर, 650 के सिंगल आपको इसमें बेस लगाना है। और जो टॉप है टॉप में आपको 500 वाट की यानी 1000 वाट का एक टॉप होगा, 1000 वाट का एक। और इसमें जो आप स्पीकर यूज़ करेंगे इसमें आप पेंजा का, स्टूडियो मास्टर का या ए प्लस का कोई भी स्पीकर आप यूज़ कर दिए, 500 वाट का 15 इंची स्पीकर होना चाहिए। देखना इसकी क्वालिटी की क्या गजब क्वालिटी आती है। तो आप इसको सुन के रहें, जो भी लोग इस सेटअप को देखेंगे वो कहेंगे अरे यार ये क्या बजेगा, ये क्या रखा है, लेकिन जी बजेगा तो इसको लोग सुनते ही रह जाएंगे कि ये ना जाने क्या इतना सा सेटअप और इतना कमाल का जो बज रहा है। तो आप इसकी आवाज़ को सुन के सारे लोगों को दंग कर सकते हो। तो इसकी जो क्वालिटी मिलेगी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी क्योंकि इसका जो बेस होता है बहुत ही सॉलिड बेस मिलता है आहूजा का 650 का। तो आहूजा का कोई भी स्पीकर इसके सामने नहीं टकता है, दूसरे भी 1300-1300 वाट के स्पीकर जो आहूजा के आते हैं वो भी 650 वाट के सामने फैल हैं। जो 650 वाट का लॉन्ग लाइफ स्पीकर है और जो इसका बेस है और इसकी जो साउंड क्लियरिटी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जो भी भाई इस टाइप का सिस्टम यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जनवाही में चैनल सब्सक्राइब।